Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. rajim. Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online, and you all are welcome in the online classes of Secondary Chemistry. Chemistry. In today's video lecture, we will cover two topics: atomic hydrogen and binary compounds of hydrogen. स्टूडेंट हाइड्रोजन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे मोलिकुलर फॉर्म कहते हैं जिसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के आपस में कम्बाइन हुए हैं इस वक्त हम जो देख सकते हैं बोर्ड पर यहाँ पर इसको प्रिपेयर करने के लिए आप मोलिकुलर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और साथ में आपको 104 किलो कैलोरीज एनर्जी देनी पड़ती है बिकॉज हाइड्रोजन में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हुआ है इस फॉर्म बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इस अमाउंट की जरूरत पड़ती है और अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर याद रहे ये बहुत ज़्यादा टेचर है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस रिएक्शन को ले जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन हमें हासिल होता है या तो इस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज की तरफ ले जाए और साथ में प्रेशर वन एम एम से पॉइंट वन एम एम तक हो तब भी मोलिकुलर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन स्टूडेंट इस इसकी प्रॉपर्टीज भी एग्जाम में पूछी जाती है इस वक्त हम बोर्ड पर इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं ये फॉस्फोरस से भी रिएक्ट करता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सल्फर से रिएक्ट करता है और क्लोरीन से रिएक्ट करता है बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर मल्टीपल नंबर्स का इस्तेमाल किया हुआ है जब ये फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट तो पी एच थ्री फॉर्म करता है जब ये ऑक्सीजन के साथ वे तो एच टू ओ टू यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है ये जब सल्फर के साथ वे तो एच टू एस बनाता है और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है स्टूडेंट्स एटॉमिक हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिटेल क्वेश्चन में भी में पूछा जाता है वो है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन टोटल सिक्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास जिनमें से चार इस वक्त हम बोर्ड पर देख सकते हैं और इसके बाद हम बकाया दो को भी समझेंगे सबसे पहला बाइनरी कंपाउंड है हमारे पास आयोनिक हाइड्रोइड ये वो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है और ये बॉन्ड करता है वन ए और टू ए के मेंबर्स के साथ और हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में वन ए और टू ए के मेंबर्स को याद कर चुके हैं और के मेंबर्स हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और हाइड्रोजन जो इनसे कंपाउंड बनाता है हम उसे आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं लेकिन हमने यहां पर लिखा विद एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एग्जाम में एक नंबर का साइंटिफिक रीजन दिया जाता है हमें कि क्यों बेरिलियम और मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते इसलिए नहीं बनाते बिकॉज बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्रोइ बनाते हैं जो इसके बाद अगली टाइप है हमारी ये क्वेश्चन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर सोडियम और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो एनए बनता है और कैल्शियम और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो सी बनता है स्टूडेंट्स हम अगर यहां पर ये यह सोचते हैं कि एनए के साथ एच लिखा हुआ है सीए के साथ एच लिखा हुआ है ये कैसे पॉसिबल है तो आइए ये से समझ लेते हैं हम जब भी दो कंपाउंड आपस में एलिमेंट्स आपस में मिलाते हैं कोई कंपाउंड बनाने के लिए तो हम उनकी वैलेंसीज को उनके टॉप पर लिख दें रिगार्डलेस ऑफ चार्जेस और फिर इसके बाद हम इसे स्वाप कर दें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अब स्वैप करने के बाद आप यहां पर लिखते हैं एन ए वन एच वन हम सब जानते हैं कि वन नहीं लिखा जाता इसलिए बना हमारे पास नाह. अब हमारे पास है कैल्शियम और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगेन वन है मगर कैल्शियम एटॉमिक नंबर ट्वेंटी पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे में आठ इलेक्ट्रॉन तीसरे में आठ इलेक्ट्रॉन और लास्ट में बचे दो इलेक्ट्रॉन सो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसकी वैलेंसी होती है टू इसको स्वैप कीजिए तो ये बनेगा सी ए एच क्योंकि वन हम हम मेंशन नहीं करते तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि आपके पास वन आएगा और कब आपके सेकंड टाइप हमारे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया जाता है थ्री से लेकर सेवन तक ग्रुप एट ए कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता यहां पर एल्यूमिनियम और बोरॉन की एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और बोरॉन स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते चूंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स हाइड्रॉइड्स बनाने होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में एल्युमिनियम और बोरॉन के जो हाइड्राइड्स हैं वो आयोनिक हाइड्राइड के साथ कंबाइन हो जाते हैं हम यहाँ देख पा रहे हैं ये एक आयोनिक हाइड्राइड है ये भी एक आयोनिक हाइड्राइड है ये कोवरिंट हाइड्राइट है ये भी कोवरिंट हाइड्राइड है जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम और यहाँ पर थ्री एच यहाँ पर वन एच मिलकर एच फोर बन जाता सेम यहाँ पर हमारे पास लिथियम बोरॉन और थ्री प्लस वन फोर एच बन जाता है इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स

और आप हीट करेंगे तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद था वो बाहर निकल के आना शुरू होता है समझाने के लिए हम यू भी समझाते हैं कि अगर हम चौक और डस्टर की एग्जाम्पल लें तो उस डस्टर में बजाय देखने में आपको चौक पाउडर नजर नहीं आता लेकिन जब आप उसे इस तरीके से बीट करते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा पाउडर निकलता है तो यहां समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि वो जो डस्टर का पीस था वो प्लैटिनम या निकल था और उसमें से जो डस्ट निकल रही थी बेसिकली वो हाइड्रोजन था आइए बकाया दो हाइवेट की तरफ चलते हैं उस चैप्टर को मुकम्मल करते हैं स्टूडेंट्स नंबर फाइव है हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड हम जब बार्निक हाइड्राइड पढ़ रहे थे तो उस वक्त तो हमने कहा था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं पॉलीमर का मतलब पॉली मीन्स मर मीन्स मॉलिक्यूल जब चीन बन रही होती है उस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर फॉर्मेशन रिएक्शन भी कह रहे होते हैं ये जो आप बॉन्ड देख सकते हैं कंप्लीट लाइन से ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है बैरिलियम का और जो डॉटेड लाइन से आप बॉन्ड देख रहे होते हैं ये इंटरमीडियंट बॉन्ड कहलाता है यहां पर ये पॉलीमर्स फॉर्म कर रहा होता है और अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है इसीलिए हम इसके साइड पर नंबर नहीं लिखते और एन लिखकर छोड़ देते हैं यहां भी आप देख रहे हैं कि कुछ और हाइड्रोजन होंगे फिर वो और बेरिलियम के साथ होंगे और यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन फर्दर बेरिलियम के साथ कंबाइन होंगे सेम हम मैग्नीशियम के साथ भी पढ़ते हैं इसके बाद लास्ट हमारे पास फॉर्म आती है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड बॉर्डर लाइन हैविंग कैरेक्टर्स बिटवीन मेटालिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट कोवलिन्राइड ये फॉर्म करते हैं मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1b 2b एंड मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3a तो स्टूडेंट्स यहां तक चैप्टर नंबर टू, जिसमें जो मेन टॉपिक्स थे उसमें बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पर भी हमने डिटेल گفتگو की इससे पिछली वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लक्ष्य में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के लास्ट में जो असाइनमेंट गिवन है उसकी केमिकल इक्वेश को सॉल्व करेंगे और उसी दिन आपको इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बताया जाएगा हम उम्मीद करते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं और ये तमाम चीजें आपको आसानी समझ में आ रही है अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आपको तो आप यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं अगर किसी वीडियो की फरमाइश होगी सेकेंड ए कैमिस्ट्री के हवाले से तो वो भी आप यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स में लिख दें हम बीच में एक्सक्लूसिव लेक्चर्स के नाम से सीरीज आगाज करेंगे और उसमें उस वीडियो लेक्चर को कवर करेंगे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तमाम तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज